कुलुम भाई एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। सो वी आर बैक अगेन टुडे फॉर एन अनदर रिएक्शन। तो आज जो गाने को हम देखने वाले हैं वो है एक बोडो सॉन्ग। बोडो सॉन्ग इसलिए बिकॉज बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने कहा था टू चेक दिस सॉन्ग आउट एंड वाई नॉट। पिछले कुछ दिनों में मैंने 2-3 बोडो सॉन्ग्स देखे हैं, ट्रेलर भी देखा था। देखते हैं ये गाना, जान लेते हैं गाने की कुछ डिटेल्स। उससे पहले गाने का नाम है रॉनबाओ दखिंगता, ऑफिशियल बोडो म्यूजिक वीडियो, लैसुंगी ब्रह्मा फीचरिंग विवेक गैरी, और सिंगर है सुलेखा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, सुलेखा बासु मंत्री इज द सिंगर, उनके चैनल पे ही गाना आया है। तो देखते हैं ये गाना, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गाना हमें कैसे लगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुलेखा क्रिएशंस, दिस द फर्स्ट टाइम आई एम वॉचिंग अ बोडो सॉन्ग फ्रॉम दिस चैनल। इस चैनल का पहला सॉन्ग है मेरा ये, सिंगर भी फर्स्ट टाइम है। वाओ, ट्रेडिशनल आउटफिट्स। कॉलेज का रोमांस लग रहा है। म्यूजिक काफी रेट्रो नहीं लग रहा, पूरा 90s, 1980s या 1990s में जैसे म्यूजिक होता था वैसे फील आ रही है। आई डोंट नो, राउंड बो दाखिंगता का मतलब क्या होता है गाइस, लेट मी नो। यस, 1980s का फील है। The music is also like old traditional. I like it. Beautiful locations, beautiful outfits, like colorful outfits. Wow. They both are quite young. बहुत ज्यादा यंग लग रहे हैं दोनों, यंग कपल रोमांस। लोग बोल रहे हैं एंड जो हमेशा होता है आंटी लोगों का, देखो वो जा रहे हैं, ये सब तरफ होता है, इज एवरीवेयर। सब टाइटल्स होते हैं, तो स्टोरी चल रही है लग रहा है। सलमान खान माधुरी के जो मूवीज होते थे पहले, हम आपके हैं कौन, उसमें से गाने होते थे उस दौर में, उसकी वैसी फील दे रहा है। कुमार सानू जैसी आवाज, व्हाट अ लोकेशन मैन। Outfits are lovely, man. I
इज हैंडसम मैन, लड़का बढ़िया दिखता है। कौन है, इसका नाम क्या है? इज गुड लुकिंग गाय मैन। मेरा ध्यान तो क्या आउटफिट से हिलने नहीं, हर एक सीन में डिफरेंट आउटफिट एंड लोकेशंस ऑसम। सुलेखा की आवाज ऑसम, गौतम ऑसम। फुल 90s वाला वाइब। जो जूनियर आर्टिस्ट जो डांसर्स, उनके कॉस्ट्यूम भी बहुत कलरफुल है, राइट? तो एक इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है। ओह वाह, आई लाइक इट, ऑसम ऑसम ऑसम। तो बात करते हैं गाने की, तो गाना बहुत ही एंटरटेनिंग था। तो गाने की जो वाइब आ रही थी वो थी 1980s 1990s की वाइब। सलमान और माधुरी की मूवीज आती थी, उनमें जो गाने होते थे वो कुछ इस तरह म्यूजिक हुआ करता था उन गानों में। रेट्रो म्यूजिक जिसको हम कहते हैं, एवरग्रीन म्यूजिक, तो वो फील आई। इट वॉज अ टिपिकल सॉन्ग, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, यू नो, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता गाना कुछ ऐसे होगा, बट जो वाइब आई वो डिफरेंट थी और बहुत ही एंटरटेनिंग थी। बात करें सिंगर सुलेखा की, तो सुलेखा का ये मेरा पहला गाना है एंड सुलेखा की आवाज बहुत ही अच्छी लगी। सुलेखा एंड गौतम, तो उनकी कॉम्बिनेशन वॉज ऑसम। बात करें एक्टर की, एक्टर जो थे बहुत ही यंग लगे मुझे, एक्टर एक्ट्रेस काफी यंग, बट यस एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे थे। म्यूजिक वीडियो में जो केमिस्ट्री होनी चाहिए दोनों में, वो केमिस्ट्री दिखी मुझे। सो या इससे पहले जो मैंने गाने देखे थे, रखा और रस्सी मैंने एक देखा था और एक दालमिया सीमेंट का देखा था मैंने, जो कि स्वरांग नरजारे का था। ही इज वन ऑफ द सुपरस्टार ओवर देयर। सो दिस वाज द सेकेंड सॉन्ग आई एम सेइंग। सो या आप कमेंट करके जब बताते हैं तो आई गेट टू नो अबाउट दिस सॉन्ग, राइट? सो डू लेट मी नो वाया कमेंट्स कि ऐसे कौन से गाने हैं जो मैं देख सकता हूँ, बिकॉज आई एम न्यू टू दिस इंडस्ट्री। मैं ठहरा महाराष्ट्र का, मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं होता इन गानों के बारे में। तो जब आप लोग बताते हैं तो मैं जाता हूँ, डीप डाइव करता हूँ, रिसर्च करता हूँ और रिएक्शन देता हूँ। तो या ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, गाना बहुत ही वाइब, गाने की बहुत अच्छी लगी मुझे, एंटरटेनिंग था, कॉस्ट्यूम्स बहुत ही अच्छे थे, हर सीन में डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स जो उनके ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करता है। एंड दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट नॉर्थ ईस्ट सॉन्ग्स, दे ऑलवेज रिप्रेजेंट देयर कल्चर वाया देयर आउटफिट्स, वाया देयर सिंगिंग, वाया देयर कोरियोग्राफी। बात करें लोकेशंस की, तो लोकेशंस हमेशा ऑसम होते हैं इन गानों में। तो या डेफिनेटली आई लव द म्यूजिक वीडियो, आई लव द सिंगिंग, आई लव द कोरियोग्राफी एज वेल। सो या डू लेट मी नो और कौन से गाने होंगे दोस्तों जो हम और आप देख सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। मिलूंगा बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक पीस आउट।